अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 33 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक का नेम है लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं कि एक जो फंक्शन एफ ऑफ जी जो हमारे पास है वो एक कह लें कि एंटायर फंक्शन हो, और एंटायर फंक्शन के अकॉर्डिंग वो अगर कम्प्लीटली होल कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, ओमिट करे कोई दो वैल्यूज को, जीरो और वन को, तो उसके अंडर एक फंक्शन जो जनरेट करता है वो एज ए कांस्टेंट फंक्शन होगा। यानी कि लिटिल पिकार्ड थ्योरम को आपने इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि एक एंटायर फंक्शन एनालिटिक के अंडर वर्क हो रहा होगा, और उसमें जो जीरो वन ओमिट फंक्शन करने हैं, मतलब जीरो वन को छोड़ के जो फंक्शन के वैल्यूज आप राइट करोगे वो आपके पास एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ट्रीट करेगा। ये आपको लिटिल पिकार्ड थ्योरम की जो डीलिंग्स होगी वो अंडरस्टैंड करवाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। आर डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन दैट ओमिट्स टू वैल्यूज 0 एंड 1, देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कहता है कि जो एफ फंक्शन हमारे पास है एज अ एफ ऑफ जी बी एन एंटायर फंक्शन है, यानी कि वो होल कम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, और आपने उस पर डैट ओमिट्स टू वैल्यूज 0 एंड 1, आपने 0 और 1 जो वैल्यूज फंक्शनल होंगी उसके अलावा अदर देन जो भी एंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा वो आपके पास एक फंक्शन जो जनरेट करेगा उस पर आपकी ये डीलिंग होगी कि वो एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट कर देगा। तो अजम्पशन आपकी ये है कि एक एंटायर फंक्शन है और आपने 0 और 1 को ओमिट करके लिखना है, मतलब छोड़ के लिखना है, और उसके बाद जो फंक्शन आपके पास एग्जिस्टेंस होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिटिल पिकार्ड थ्योरम की डीलिंग्स में अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। तो चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। आर डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट, आपने सपोज कर लेना है जब वो ओमिट करेगा 0 और 1 को, तो 0 को मैंने मान लिया a और b को मैंने मान लिया 1। ठीक है, तो मैंने कहा कि f of z जो फंक्शन है वो इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि वो जब ए और बी के ओमिट करके लिखेंगे, यानी कि आप उसको ए और बी को स्किप करके लिखोगे, छोड़ के लिखोगे, तो आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी होगा वो इज नॉट इक्वल टू ए होगा, वो इक्वल नहीं होगा ए के। सिमिलरली एफ ऑफ जी जो है वो आल्सो इज नॉट इक्वल टू ए, इज आल्सो नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर z एज अ होल कम्प्लेक्स प्लेन है, मतलब वो एंटायर फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा होगा। तो जब वो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ z ना a के इक्वल है ना वो एफ ऑफ z b के इक्वल है, तो फिर आप वहाँ पर कुछ एक इंट्रोड्यूस फंक्शन खुद से करवाओगे, देन वी हैव टू डिफाइन इट्स फंक्शन एज, तो आपने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस खुद से करवाना होगा, कैपिटल एफ ऑफ जीरो इक्वल है न्यूमरेटर में एफ ऑफ z माइनस a ओवर डिनोमिनेटर में होगा b माइनस a, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ जी जो होगा फंक्शन वो डिपेंडेंट होगा एफ ऑफ जीरो के ऊपर। ठीक है, एफ ऑफ जी माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ये आपका जो कंप्लीट फंक्शन होगा ये आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है एज ए कैपिटल एफ ऑफ जीरो। अब इस फंक्शन जो आपने डिफाइन किया है इससे आपने ये जजमेंट करनी है कि इसमें जो स्मॉल एफ ऑफ जी है इस पे ओमिट फॉर्मेशन अप्लाई हुई है, सिंस फंक्शन एफ ऑफ जी स्मॉल एफ ऑफ जी ओमिट टू वैल्यूज 0 एंड 1। कहता है कि आपने ना 0 और 1 वैल्यूज जो फंक्शनल हैं उनको ओमिट करके, यानी छोड़ के जब राइट करना है, स्किप करके राइट करेंगे, तो आपके पास उसकी अजम्पशंस कुछ इस सेंस में कहता है कि सो वी हैव टू अज्यूम दैट, तो आपने ये गिवन देखा कि आपके पास एंटायर फंक्शन है जो कि एनालिटिक फॉर्म में है और ओमिट करता है जस्ट टू वैल्यूज को जो आपको गिवन थी 0 एंड 1, दैट द गिवन एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जी ओमिट्स टू वैल्यूज एंड 0 एंड 1, यानी कि वो दो वैल्यूज जो हैं आपने उनके अंडर वर्क करना है कि इनको आप छोड़ के राइट करें, यानी डेट इज इस सेंटेंस को आप कुछ मैथमेटिकली फॉर्म में इस सेंस में राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 1। इट्स मीन कि ये जो आपके पास 0 है एज ए है, क्योंकि मैंने जब आपको सुपोजिशन स्टार्ट में करवाई उसमें एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू ए लिखा हुआ था, और यहाँ पर लिखा था एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू बी, बट यहाँ पर आपके पास 0 और 1 की रिप्लेसमेंट हुई है ए और बी के अंडर। ठीक है, तो बिकॉज इट्स रीजन इज, तो आपके पास जो रीजन था इसका वो है ए कॉमा बी क्लोज रीजन फॉर्म इक्वल होगा ए कॉमा 1 क्लोज रीजन फॉर्म। ठीक है, ये इसका रीजन जो है 0 कॉमा 1 के अंडर अटैच्ड है,
अब आपने क्या करना है कि आपके पास जब फंक्शन एफ ऑफ जी ना जीरो के इक्वल है ना वो वन के इक्वल है, तो इसके लिए फिर आपको ना एक एन अदर फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना होगा. नाउ लेट वी हैव एन अदर एंटायर फंक्शन जी ऑफ जी. जैसे एफ ऑफ जी एक एन एंटायर फंक्शन था, सिमिलरली आपने अब जी ऑफ जी को एन अदर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाना है और वो भी एक एंटायर फंक्शन होगा. यानी कि जी बिलोंग्स टू, वेयर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स सी. ठीक है, यहाँ पर जो जी होगा वो कम्प्लेक्स प्लेन से अटैच्ड है. सच डैट जी ऑफ सी कंटेन ऑन डिस्क ऑफ रेडियस वन. तो फिर इसका जो जी ऑफ जी जो एंटायर फंक्शन के अंडर जो सी होगा वो डिस्क के अंडर कह लें कि जो उसका रेडियस होगा वो ओनली ऑन वन कंटेन मस्टली करेगा, क्योंकि जी ऑफ सी यानी कि जी इज इक्वल टू सी से रिप्लेसमेंट. जो उसके सेंट्रल से जो डिस्टेंस कोई भी सर्कल की बाउंड्री को टच लाइन करेगी वो रेडियस यूनिट सर्कल ड्राइव करेगी, और यूनिट सर्कल जो होगा उसका रेडियस वन होगा. ठीक है, तो इसको आपने अपना इफेक्ट नंबर स्टेरिक मान लेना है. यानी कि कोई ये नंबर स्टेरिक कह लें, कोई ये नंबर वन कह लें, ये आपके पास जो जी ऑफ सी कंटेन रेडियस वन कर रही है इसको आपने कोई ये स्टेरिक इसलिए मानना है कि हमने अब चेक करना है क्या वाकई में इसका रेडियस फर्दर मूव करते हुए यूनिट सर्कल डिफेंड करता है. अगर तो ये यूनिट सर्कल डिफेंड करता है तो फिर हमारी सुपोजिशन में कह लें कि यूनिकनेस वगैरह नहीं रहेगी. अगर तो ये इसके अलावा अदर देन कुछ और फैक्ट्स आ जाते हैं फिर हमारे पास वो यूनिक वैल्यू जनरेट ज़रूर करेगा मस्टली, क्योंकि फिर उन दोनों में डिफ़ॉल्ट आ जाएगा कि एक रेडियस वन कर रहा है और जब हम मज़ीद सोल्व करेंगे उसमें रेडियस कुछ और आ जाता है अदर देन वन आ जाता है. तो फिर इनमें आपस में एक कंट्राडिक्शन हो जाएगी और फिर आप अपनी सुपोजिशन को रॉन्ग मान लेंगे और फिर हम कहेंगे जो हमारे पास जो जी ऑफ सी होगा वो आपके पास एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ट्रीट करेगा. इसके लिए हमने ना कंट्रेरी चलना होगा. ऑन कॉन्ट्रेरी वी सपोज डैट इफ एफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन देन जी इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. अब ये हमने कॉन्ट्रेरी मान लिया कि अगर एफ कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि एफ एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो देन जी इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो अब हम इस बात को फुलफिल करवाने के लिए अब अपनी फर्दर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. तो सिंस वी से डैट या देयर फॉर वी से डैट अ पॉइंट जी नॉट एग्जिस्ट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ सी. इनके एक पॉइंट जी नॉट वो एक डिफरेंशिएशन जी ऑफ जी के अंडर एग्जिस्ट है और वो उसके ऊपर अपनी डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की होल्ड करता है. तो इस बात को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह कह भी सकते हो कि उसके ऊपर कोई कन्फर्मर मैपिंग ज़रूर एक मैप ड्रॉ कर सकती है. यानी जी ऑफ जी एट जी नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कन्फर्मर मैपिंग. यानी जी ऑफ जी कन्फर्मर मैपिंग की डेफिनेशन ये हुआ करती थी कि अगर आपके पास कोई एक एफ ऑफ जी फंक्शन है तो उस एफ ऑफ जी का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो एफ डैश ऑफ जी एट जी नॉट पे और वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो आपके पास कन्फर्मर मैपिंग होता है. ठीक है, तो इट्स मीन जी डैश ऑफ जी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपकी डेफिनेशन ऑफ कन्फर्मल मैपिंग को होल्ड करेगा. देखिए, अब हमने यहाँ पर ये तसव्वुर किया हुआ है, ये कंसीडर किया हुआ कि एफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. तो जब एफ कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं होगा तो उसके बाद ये है कि देन जी इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. यानी एफ अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है तो जी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होगा. लेकिन आपकी जो सुपोजिशन के अलावा जो आपका स्टेटमेंट है उसमें ये है कि आपका जो फंक्शन एफ है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो इस मीन वो जी भी कांस्टेंट फंक्शन होगा. ठीक है, बट हम कॉन्ट्रेरी लेके चल रहे हैं इसलिए हमने उसको रॉन्ग सपोज किया हुआ है, उलट सपोज किया हुआ है. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को मूव करवा रहे हैं कि देखेंगे कि कितना इसमें डिफरेंस मेंटेन होता है. तो अब आपके पास ये कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन तो होल्ड करवा दी. ठीक है, अब आपने कहना है कि वेन जी नॉट लाइज एट द ओरिजिन. यानी कि ये जो आपके पास कन्फर्मल मैपिंग में जी नॉट जो है अगर वो ओरिजिन पे फुलफिल हो रहा हो, यानी कि उसके बिल्कुल सेंटर पे सेंटर पार्ट पे जो कम्प्लेक्स प्लेन एग्जिस्ट कर रही है वो अगर ओरिजिन पे है तो आपने पुट कर देना है जी नॉट इक्वल टू जीरो. देन वी पुट दिस. ठीक है, आपने जीरो जब आपने जी नॉट की जगह पुट किया तो आपके पास कन्फर्मल मैपिंग डेफिनेशन कुछ इस सेंस में बन गई कि डैट इज जी डैश ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ये अंडरस्टैंड किया कन्फर्म मैपिंग से कि आपके पास कोई ओपन बाल वहाँ पे एग्जिस्ट होगी
ओपन बाल के लिए ना ये मैंने फंक्शन के यानी कि जी और फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इसको कुछ ही सेंस में हम रीड आउट करेंगे। देयर फोर जी इंटू ओपन बाल बी इंटू जीरो कॉमा आर, यानी कि ये जो जीरो एज ए ओरिजिन फॉर्म में ट्रीट कर रहा है उसका जो आपका रेडियस होगा वो उस जी नॉट के अंडर वर्क होगा, जो रेडियस उसका जी नॉट के अटैच्ड है। और ये होगा क्या, एक ओपन बाल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा जो कंटेन किस में होगा, जी के अंदर, यानी कि जी उसका फंक्शन होगा ओपन बाल में। तो कंटेन आर डिस्क ऑफ रेडियस दिस, यानी कि ओपन बाल का जो फिर रेडियस हो जाएगा वो वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। और वो रेडियस कैसे आपने रीड आउट करना है, लार्ज रेडियस या लार्ज सफिशिएंट रेडियस मॉडुलो जी डैश ऑफ जीरो। अब इसमें जी डैश ऑफ जीरो मीन ये आपके पास कन्फर्मल मैपिंग के अंडर वर्क करना था, तो जी डैश ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमने कहा हुआ है, ठीक है, ये जीरो नहीं है। तो लार्ज सफिशिएंट जो रेडियस है वो मॉडुलो कर बनाएगा, लार्ज सफिशिएंट जो रेडियस इसका बनाएगा मॉडुलो के अंडर वो जी डैश ऑफ जीरो कन्फर्मल मैपिंग के रिलेट कर देगा, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होगी ओपन बाल में वो वेरी वेरी लार्ज हो जाएगी। अब इस जो बात को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऐसे सेंस में कहेंगे, ये जो आपका रेडियस ओपन यानी कि ओपन डिस्क में ड्राइव हो गया है, डैट इज जी इंटू बी कॉमा बी इंटू जीरो कॉमा आर, जो ओपन बाल कंटेन कर रही है इस जी फंक्शन के अंदर, वो इक्वल होगी एल आर मॉडुलो जी डैश ऑफ जीरो, यानी कि लार्ज सफिशिएंट रेडियस मॉडुलो जी डैश ऑफ जीरो, ठीक है, ये आपका कह लें कि रेडियस ड्राइव हो गया। अब ये जो रेडियस आपने ड्राइव किया है, ये चलो ये जो रेडियस आया ना ये आपका स्टैरिक से डिफरेंट आया, वहां पर फिक्स्ड रेडियस था ओनली ऑन यूनिट सर्कल वन, बट यहाँ पर तो लार्ज रेडियस ऑफ जी डैश ऑफ जीरो मॉडुलो बन रहा है, यानी कि वन से भी बिगर आपको रेडियस मिल रहा है। इट्स मीन यहाँ पर आपकी कंट्राडिक्शन शो हो रही है कि ये आपके पास जो रेडियस है फैक्ट नंबर स्टैरिक से डिफरेंट रेडियस और हैवी लार्ज रेडियस शो करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लें कि ये आपकी जो यहाँ पर पॉइंट्स यूज हैं वो है क्या एक्चुअली। तो वेयर जी फंक्शन कंटेनिंग ओपन बाल, यानी कि जो जी फंक्शन है वो ओपन बाल को कंटेन कर रहा है, यानी कि बी इंटू जीरो कॉमा आर, ये ओपन बाल इस जी के अंदर कंटेन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिस्क जी कंटेन लार्ज सफिशिएंट रेडियस, यानी कि एल आर, यानी लार्ज सफिशिएंट रेडियस विद मॉडुलो जी डैश ऑफ जीरो, यानी कि जो इसका जो जी फंक्शन का ओपन बाल पे रेडियस है वो वेरी वेरी लार्ज है, लार्ज सफिशिएंट रेडियस है और मॉडुलो होल्ड कर रहा है, मॉडुलो के अटैच रिलेट है और रिलेट होके वो जी डैश ऑफ जीरो कन्फर्मल मैपिंग के साथ वो एक रेडियस को जनरेट कर रहा है, और वो फिक्स नहीं है, वो वन नहीं जनरेट कर रहा, वो वन की अदर देन मैक्सिमम लार्ज ओपन बार रेडियस को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने फैक्ट नंबर डबल स्टैरिक मान लिया, यानी कि स्टैरिक नंबर स्टैरिक फर्स्ट है और स्टैरिक सेकंड है, आपके पास ये जो टू स्टैरिक्स आपने डिफाइन कर लिए। अब आपको यहाँ पे कंट्राडिक्शन मूव हो रही है, विच इज अ कंट्राडिक्शन आवर सुपोजिशन फ्रॉम स्टैरिक फर्स्ट एंड डबल स्टैरिक सेकंड, यानी कि आपने स्टैरिक की जो फॉर्मेशंस यानी कि क्वेश्चन जो फर्स्ट आपकी थी और क्वेश्चन ये वाली सेकंड है, इससे ये अजम्पशंस रीड आउट की कि आपके पास जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिफरेंटली मूव कर रहे हैं, यानी कि रेडियस वहाँ पे वन था और यहाँ पर रेडियस वेरी वेरी लार्ज सफिशिएंट रेडियस हो गया और साथ में मॉडुलो कन्फर्मल मैपिंग को जोड़ रहा है यानी कि जी डैश ऑफ जीरो को, तो आपके पास यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई। इट्स मीन आपने कहा था, आपने ये कंट्रेरी सपोज किया कि एफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, देन जी इज आल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो जब कंट्राडिक्शन आ गई तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिस इम्प्लाइज दैट जी इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि जी आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ना आपके पास जो ओपन जो डिस्क है और उसकी जो फॉर्मेशन है जी डैश ऑफ जीरो, जी डैश ऑफ जीरो जो मॉडुलो है, यानी कि जो आपके पास ये आपका ओपन बाल के अंडर जी कंटेन हो रहा है, तो ये आपके पास रेडियस जो जनरेट कर रहा है और जो स्टैरिक फर्स्ट में जी ऑफ सी रेडियस वन यूनिट सर्कल डिफेंड कर रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, तो इसलिए आपके पास जब कंट्राडिक्शन आ गई तो आपने जो सुपोजिशन की वो रॉन्ग थी, ठीक है। तो जी इज
कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो लिहाजा हमने ये बात साबित कर दी कि फ्रॉम स्टैरिक फर्स्ट एंड स्टैरिक सेकेंड हमने जो अपना एक जो अजम्पशंस थी उसको अब सही अवेल्ड कर दिया है कि g एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो जब g कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा इट्स मीन f इज आल्सो अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी जो आपने सपोज किया था उसके वो बात ठीक नहीं थी कि वो हमने सपोज किया था कि g इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड f इज आल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। बट आपने जब ये अजम्पशंस को वेरीफाई किया तो आपको फील हुआ, आपने सीन कर लिया कि ये दो डिफरेंट बातें हैं। तो इट्स मीन कि आपने फिर जी को ओनली ऑन एक ही बात में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक ही इसका वे है कि जब जी कांस्टेंट हो इट्स मीन उसका एफ भी कांस्टेंट फंक्शन में ट्रीट हो जाएगा। तो ये हम फाइनली अपने लिटिल पिकर्ड थ्योरम को कम्प्लीटली प्रूव कर चुके हैं। तो फाइनली आपका ये रिजल्ट है कि हैंस अवर थ्योरम एज लिटिल पिकर्ड थ्योरम इज कम्प्लीटली वेरीफाई। तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। तो अगर इसमें किसी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, किसी भी स्टेप में या कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्वेश्चन आरडीएस स्टूडेंट्स से कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा आरडीएस स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।